मेरा जो किरदार है, मैं अपने आप प्लेइंग अर्जुन कपूर इन द शो, बट मुझे पता है कि जो दोनों किरदार है नथु और रणवीर के, वो इंस्पायर्ड है दीवाना मस्ताना से. और जाहिर बात है अगर एक लड़की है तो एक दीवाना बन जाता है और एक मस्ताना बन जाता है. इट्स अ फनी शो. अली सर की टाइमिंग मैं काफ़ी साल से देखते आ रहा हूँ, उनको काम करते हुए, उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही इज़ देयर ऑन द शो. जान पहचान के भी हैं, पहले भी उनके साथ काम कर चुका हूँ. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन द शो. एंड आई नो इट, गोविंदा अनिल जाजू डेविड धवन का जो कॉम्बिनेशन है वो फिल्म मेरे लिए यादगार थी. तो आई एम हैप्पी दैट समबडी इज़ यूज दैट एज अ कॉन्सेप्ट टू मेक अ टीवी शो. फैंस इरिटेट नहीं करते, कई बार हम इरिटेटेड मूड में होते हैं तो हम कह नहीं पाते यार इस वक्त थोड़ा मूड लेफ्ट राइट चल रहा है तो सहन कर लो, बिकॉज उनके लिए वो एक ही मौका होता है हमें मिलने का, वो एक ही फोटो है जो जिंदगी भर जिसे याद रखेंगे. तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इवन इफ वी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स. पर उसी अभी परसों की बात, अभी गोल्डन पेटल्स कल रात की बात है, मैं जा रहा था, एक लड़के ने मेरे पैर पकड़ लिया, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा. मैं उससे उम्र से एक आध दो साल छोटा ही होऊंगा, उसने मेरे पैर पकड़ के मुझसे बोला प्लीज़ फोटो ले लो. तो मुझे आई फाउंड दैट रियली फनी मोर देन एनीथिंग एल्स. इट डजंट हैव टू टच माय फीट, इट्स रियली फनी. तो आई एंडेड अप टेकिंग द फोटो. बट यू मीट अभी कियनका के बाद लड़कियाँ ज़्यादा इज्जत देने लगी और प्यार करने लगी है, बट नॉर्मली लड़के काफ़ी चिपक जाते हैं मुझसे. तो यार क्या है, विमेंस डे अब आ रहा है, हमारी फिल्म आधारित है एक ऐसे सेटिंग में जो मैं मानता हूँ कि औरतों को जो दर्जा मिलना चाहिए मिलते जा रहा है हमारे बड़े बड़े शहरों में. देश की सोच बदल रही है, तो हमारे फिल्म के द्वारा हम जताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि थिंग्स कैन चेंज फॉर द बेटर. आपको अपनी काबिलियत पे काम मिलना चाहिए, आपको जो भूख हो या आपका अगर मन करे तो ही आपको नौकरी करनी चाहिए. इट शुड नॉट बी आउट ऑफ प्रेशर. या अगर आप नौकरी करना चाहो और कोई आपको रोक दे तो वो क्यों होना चाहिए. द फिल्म डील्स विद दैट इन अ वेरी फन वे. तो जो कल मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपको आज बताऊंगा नहीं, पर मस्ती होगी, मजाक होगा. एंड एज यूजुअल आई विल ट्राई एंड मेक ऑल ऑफ योर स्माइल. जो मर्द नहीं भी आ रहे वो भी हंस देंगे मुझे देख के, ये मैं वादा करता हूँ. बट इट शुड बी फन होपफुली. आइडिया मेरा था, बाल्की सर लाइक द फैक्ट दैट आई सेड वी शुड लॉन्च द सॉन्ग. इट्स थोड़ा ऑपोजिट है ना, मोस्ट वॉन्टेड मुंडा गाना विमेंस डे पर लॉन्च करना अपने आप में एक ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सिचुएशन है. तो आई थिंक ही लाइक्ड इट, सो ही सेड यस वी मस्ट डू द सॉन्ग लॉन्च ऑन विमेंस डे.